जॉनी जॉनी यस पापा चाहिए तो तुमको लक्ष्य पड़ेंगे। हाँ तोहफे में आपकी चूड़ी और बिंदी चाहिए। चूड़ी बिंदी का कोई काम की चीज नहीं होती है, उन्हें लड़कियाँ पहनती है। पर माँ जो सो जाके सो जाओ, देख ली अपने लल्ला की हरकत, संभाल ले वरना हाथ से निकल जाएगा। नहीं 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 यानी 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 ये देखो मेरी बिल्ली कैसी लग रही है। ठीक ही है। टीचर टीचर देखिए लक्ष्मण क्या कर रहा है। लक्ष्मण क्या कर रहा है ये? बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतें, तुम्हें समझ में नहीं आता ये हरकतें लड़कों की नहीं लड़कियों की है। जाओ इसे साफ करके आओ, जल्दी जाओ। अरे भाई इसे ये भी नहीं जाना था। टीचर टीचर देखिए लक्ष्मण लड़का होकर भी लड़कियों के टॉयलेट में जा रहा है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतें, आज इसकी मम्मी को बता ही देता हूँ। देख रही हो अपने लड़के की हरकतें? तुम्हारा लड़का क्लास में बिंदी लगा के आता है, लड़कियों के बाथरूम जाता है और इसका चाल चलन भी लड़कियों की तरह हो गया है। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इसको। लक्ष्मण लक्ष्मण निकल निकल मेरे घर से। रोज जब आप मुझे डांटती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही अंदर कमी है। मैं बदलने की कोशिश करती है पर बदल नहीं पाती। अम्मा भगवान ने मुझे ऐसा बनाया जिसमें मेरा क्या दोष है? मैंने पढ़ा है ये सब हरकतें हार्मोन की वजह से। अब तू मुझे सिखाएगा साइंस, अब तू बताएगा मुझे साइंस, मुझे सब पता है क्या सही क्या गलत। चल निकल मेरे घर से, निकल मरूद मेरे घर से। मैं तेरे को पढ़ाएगी और मैं तेरे को लिखाएगी, तेरे को बड़ा अफिसर बनाएगी। ये समाज हमारे चमत्कार है, चमत्कार। जब कभी कोई मनुष्य का जन्म होता है उसे शिव कहते हैं, जब कभी औरत का उसे शक्ति। तुझे तो दोनों है रे, तुझे आर्दन रे ईश्वर है। देता दुआ लेकिन श्राप तीसरा हूँ, ताली और नाच हूँ, किन्नर हूँ इस समाज का अभिशाप। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता है, इसे हमें लाना पड़ता है। मेरे को साइंस
तुझे क्यों साहब से मिलना है? मेरे को नौकरी का इंटरव्यू देना है। तू नौकरी करेगी क्या? साहब अंदर बैठे हैं। नमस्कार साहब, चल तू अपना रिज्यूमे ला। गुड, पढ़ाई में तो तू अच्छी है, लेकिन धन्यवाद साहब, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मेरे को नौकरी बोल दो। वो तो देखते हैं, पर तुम जैसे लोगों का तो मेन पेशा है नाच गाना करके पैसे कमाए। मैं ऐसी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी है और इस समाज के कुछ करना चाहती हूँ साहब, मेरे को एक मौका दे सकते। तेरे जैसे लोग नौकरी डिजर्व नहीं करते। असिस्टेंट निकाल दो इसे यहाँ से। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हमारे लिए क्या कर सकती है? समझी नहीं, इसका मतलब ये कि तू ताली बजा सकती है, नाच सकती है, गा सकती है? साहब मैं पढ़ी लिखी साहब, मेरे को एक मौका दीजिए, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने किन्नर समाज को बढ़ाना चाहती हूँ साहब, एक मौका दीजिए। इस देश में लोगों की इतनी कमी नहीं है जो हम किन्नरों को नौकरी देंगे। निकल जा। लोग मेरे को किन्नर खिजड़ा छक्का कह के बुलाते हैं। मेरी माँ को जब पता चला उसने मुझे घर से निकाल दिया, अनाथ बना दिया। अरे मैंने क्या किसी का कत्ल किया, चोरी की, नशा किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो भगवान ने ऐसा बना कर भेजा, भगवान ने ऐसा बना के भेजा, क्या गलती है इसमें मेरी? हम समाज वालों के लिए ना किसी ने कुछ किया था, ना कोई कर रहा है और ना कभी कोई करेगा। मुझे जीने का अधिकार नहीं है, नहीं है। जब हमारे किन्नर समाज में कोई किन्नर की मौत हो जाती है तो हम मातम नहीं मनाते, बल्कि हम खुशियां मनाते हैं कि ऐसे नर्क जैसे जीवन से हमें मुक्ति मिल गई है, और इसीलिए हम अपने शिव संडू के लिए तांडव करते हैं। आपसे मिलता है, मैं गुजारिश करता हूँ आप सब कभी मत छोड़िए।